हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए ये मैंने ग्लूकोज की वेस्ट बोतलों से ये गुलदस्ता बनाया है। देखिए बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता है। देखिए इस तरह से हम ये ग्लूकोज की बोतल को कट कर लेते हैं इस तरह से। अब हम इसमें इस तरह पत्तियां काट लेते हैं। ये देखिए इसमें मैंने इसमें 6 पत्तियां काटी हैं इस तरह से। अब इन्हें थोड़ी पत्तियों की शेप में कटिंग कर देते हैं इस तरह से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं। देखिए अब हमें नीचे वाली बोतल को कट करना है इस तरह। इस तरह से मैं इसे काट लेती हूँ। अब हमें इस तरह पतली पतली पत्तियां काट लेनी है, 1 इंच छोड़ देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें ये पत्तियां काट लेनी है। इस तरह अब हमें ये दूसरी बॉटल लेनी है, इसको भी हमें नीचे से इस तरह कट कर लेना है इस तरह से। देखिए 1 इंच छोड़ देना है इस तरह। मैं ये थोड़ा बड़ी बड़ी पत्तियां काट रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने 6 पत्तियां काट ली हैं इस तरह। अब इन्हें हम थोड़ा पत्तियों की शेप में कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह हमें ये सारी पत्तियों को कटिंग कर लेना है। देखिए अब मैं इन फूलों पर कलर कर लेती हूँ इस तरह से। ये रेड कलर है। देखिए कलर होने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। आप इन्हें अपने रूम में भी डेकोरेट कर सकते हैं। और इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इस तरह से। देखिए मैंने ये आगे ही किया है। इसी तरह मैंने 4 फूलों पर रेड कलर किया हुआ है और 1 फूल पर येलो। इस तरह मैंने इस गुलदस्ते में 5 फूल लगाए हैं, 4 रेड और 1 येलो। इसी तरह हम कलर कर लेते हैं और थोड़ी देर इन्हें सुखा लेते हैं। देखिए ये जो हमने बोतल को पत्तियों की तरह कटिंग किया था इस पर हम ये ग्रीन कलर कर लेते हैं इस तरह। ये कलर होने के बाद बिल्कुल पत्तियों के जैसे लगेंगी। और इन्हें भी थोड़ा सुखा लें। देखिए इस तरह से इन फूलों को हमने सुखा लिया है। हमने इन पत्तियों पर भी कलर कर लिया था इस तरह की। देखिए मैंने 3 पत्तियां और काट ली थी। अब हम एक ग्लूकोज की बोतल ले रहे हैं इस तरह से। इसको हमें ऊपर से कट कर लेना है।
थोड़ा केयरफुल होकर काटें। देखिए इस तरह मैं इसे ऊपर से काट लेती हूँ। देखिए अब ये थोड़ा छोटा है, इसे हम थोड़ा और काट लेते हैं। देखिए इस तरह से मैं ये राउंड शेप में ये निशान लगा लेती हूँ इस तरह। इसी तरह हमें चारों तरफ ये निशान बना लिए हैं। अब हम इन्हें कट कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए ये बॉटल में इस तरह से होल बन जाएंगे। देखिए इस तरह। देखिए मैं ये येलो वाला फूल ऊपर लगा लेती हूँ इस तरह। इस तरह से ये मैंने ऊपर लगा लिया है। अब मैं ये रेड वाला फूल लगा लेती हूँ इसी तरह। हमें सारे फूलों को लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब देखिए ये पतली वाली पत्तियाँ जो थी इन्हें हम इस तरह से नीचे से लगा लेते हैं। इस तरह ये देखिए ये मैं अब बड़ी वाली पत्तियों को इसी तरह लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह से ये हमारी पत्तियाँ लग गई हैं। अब हम ये पत्तियाँ ये इस तरह से ऊपर लगा लेते हैं। देखिए मैं ग्लू गन की मदद से लगा रही हूँ। आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप आल पिन से भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं ये ग्लिटर ले रही हूँ। मैं थोड़ा इस फूल को और डेकोरेट कर लेती हूँ इस तरह से। इस तरह इसके किनारे पर। इसे लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह से। अब हम ये कुछ पॉम पॉम ले रहे हैं इस तरह। मैं ये रेड वाला ये ऊपर वाले फूल में इस तरह लगा लेती हूँ। और देखिए मैं नीचे येलो लगा देती हूँ इस तरह से। देखिए मैंने एक स्टोन लिया है, इसको मैं इस तरह ऊपर वाले फूल में लगा लेती हूँ। देखिए ये बहुत ही सुंदर लग रहा है।
देखिए ये गुलदस्ता बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।